नमस्कार दोस्तों, शान फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको अम्ब्रेला स्लीव्स बनाकर दिखाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर होगी। आप उसे अपनी कुर्ती में, ब्लाउज में या सूट में, किसी में भी आप अच्छे से अटैच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बाजू की कटिंग दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये सिंपली ही बाजू कटिंग कर रखी है। अब हम इसकी कटिंग आपको अम्ब्रेला कट में करके दिखाएंगे जो कि हमें नेट में जोड़ देनी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 10.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। हमारी जो कोहनी का हिस्सा है वो हमारा 10 इंच पर आ जाता है, और हमने ये 0.5 इंच यहाँ पर दबाव के लिए छोड़ लिया है, और ये 10.5 इंच पर निशान लगाकर उसके बाद हमें 1 इंच यहाँ से ऐसे आगे मोड़ने के लिए छोड़ देना है, और जो एक्स्ट्रा पीस है हमारी बाजू उसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम ऐसे कट लगा देंगे, यहाँ से हमारे बाजू मुड़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमने नेट का पीस ले रखा है ऐसे, और इसे हम ऐसे डबल मोड़ लेंगे। डबल मोड़ने के बाद हमारा जो नेट का कपड़ा है यहां से यहां तक ये 17 इंच आ रहा है, और लंबाई इसकी 21 इंच। तो हमने ऐसे मोड़ लिया है, ऐसे हम अपनी बाजू को यहां से ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर। अब दोस्तों, ये देखिए, यहां से यहां तक हमारी बाजू 21 इंच है। अब हम सबसे पहले अपनी पूरी बाजू की लेंथ यहां से माप लेंगे। हमारी बाजू की लेंथ है 20 इंच, हमने ये 20 इंच पर निशान लगाया है, और नीचे एक्स्ट्रा 10 इंच हमने फ्रिल के लिए छोड़ दिया है यहां से। अब दोस्तों, ये हमारी जो मोहरी है यहां से 10 इंच है, आपकी जितनी मोहरी हो 11 या 12 जितनी भी आप नाप के हिसाब से रख सकते हैं, और यहां से हमें अब यहां तक 11 इंच का निशान यहां से यहां तक लगाना है, इस निशान से इस निशान तक। और अब हमने ये जो अपना निशान लगा रखा है नीचे, इसे ऐसे गोलाई में यहां तक निशान लगाकर कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे गोलाई आराम आराम से, ये देखिए हमने अपनी कटिंग कर दी है बाजू की, और इसे यहां से ऐसे सीधा कर लिया, और ये देखिए हमारी बाजू ऐसे गोलाई में अम्ब्रेला कट आ गई है। अब हम यहां पर ऐसे गोलाई में सबसे पहले आपको पाइपिंग लगाकर दिखाएंगे। दोस्तों, ये डिजाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, ये स्लीव बहुत ही खूबसूरत होगी। तो इसमें आप यहाँ पर पाइपिंग या कोई भी लेंस अपने मैचिंग के अनुसार, या मोती की लेंस आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें ये पट्टी काट लेनी है सबसे पहले ओरेब। इसकी जो चौड़ाई है हमने 1.5 इंच रख रखी है, और ये अब जो हमारी नेट है इसके ऐसे गोलाई में हम लगाते चले जाएंगे। इसका जो दबाव है वो 1/4 इंच होगा, और आराम आराम से कोई सा भी हमें कपड़ा खींचना नहीं है, ना ही नेट का ना ही पट्टी का।
देखिए दोस्तों, हमने ये नेट में और पट्टी जोड़ दी है और हमने ये यहाँ पर क्वार्टर इंच अंदर की साइड कपड़ा मोड़ दिया है, सिलाई लगा दिया है ये। आप इसे सिंगल भी मोड़ सकते हो, पर अगर आप ये सिलाई लगाकर मोड़ोगे, पहले मोड़ लोगे, तो ये बहुत ही आसान होगा और आपकी पाइपिंग बहुत ही आराम से निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, हमने ये गोलाई में पट्टी लगा दी है। अब हम ऐसे ही पट्टी जैसे हमने यहाँ पर लगाई है, ऐसे ही अपने सीधे भाग में हम ये पट्टी ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और ये हमें आधा इंच ऐसे बाहर रखनी है पट्टी, इसे बाद में हम ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पट्टी हमने सेम तरीके से इसमें जॉइंट कर दी है। अब इसे ऐसे जो हमारा आगे कपड़ा है उसे ऐसे अंदर की तरफ मोड़कर ऐसे इसे यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए दोस्तों, हमने अपनी पूरी नेट में पट्टी अटैच कर दी है और अब हम आपको बाजू में इसे अटैच करना सिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारी बाजू है। हमने ये कट के जो निशान लगाए थे एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए, इसे हमें दो बार ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करने के बाद ऐसे इसे ऐसे मोड़कर यहाँ पर हम ऐसे सेंटर का निशान लगा लेंगे, और ये हमें यहाँ से हमारी मोरी है बाजू की, और इसे भी हम ऐसे, ये हमारा सीधा जो भाग है बाजू का, इसमें भी हम ऐसे भी सेंटर में निशान लगा लेंगे, और इसका जो सीधा भाग है, सीधा भाग ऐसे हमें बाजू ऐसे खोल लेनी है, और ये हमारा ये बाजू का जो सेंटर हो गया था, इसे इससे अटैच करने के बाद ऐसे इस पर रख लेना है, और जो हमारी मोहरी है यहाँ पर आएगी, इसे हमें यहाँ से ही ऐसे यहाँ से हमें सिलाई लेकर चलनी है। ये हमारा जो भाग है ये छुप जाएगा, ये हम अपनी मोहरी बना लेंगे ऐसे। यहां पर हमें पक्का कर देना है, और ऐसे यहां पर मोड़ देना है, और अब हम यहां से यहाँ पर आपको अपनी बाजू सिलाई करके दिखाएंगे, ये हमारी मोरी बन जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी अम्ब्रेला स्लीव का डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप ब्लाउज में, कुर्ती में, सूट में, किसी भी जगह अटैच कर सकते हो। ये अटैच होने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए। तो दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा दोस्तों ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें,
ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।